हाँ तो भैया एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो नवी कक्षा के लिए होगा गणित का, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें से हम आज प्रश्नावली 4.3 को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हमने 4.3 कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैंने उसके लिए पार्टिकुलर एक वीडियो बनाया और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। ठीक है ना, हमने वहाँ आपको बताया कि अगर हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो उसका आलेख कैसे खींचेंगे, हमने उसमें बहुत विस्तृत वर्णन किया है। मैं आपको आशा के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप वो वीडियो देख लेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने दिया, आप इस प्रश्नावली को चुटकियों में लगा देंगे। ठीक है ना, तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये भी चैप्टर एकदम इजी कर दूंगा। आइए चलते हैं भैया, कॉपी पेन ले लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आज की क्लास में। देखिए शानदार शानदार क्वेश्चंस इसमें हैं। कह रहा है दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख का मतलब ग्राफ खींचना। इसके लिए आपके पास ग्राफ की कॉपी होना मस्ट है। विदाउट ग्राफ के कॉपी के आप इस सवाल को कदापि लगा नहीं सकते। ठीक है ना, जिसमें से हमारे पास पहले क्वेश्चंस में 4 पार्ट हैं। अगर एक सवाल आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। वैसे हमारे वो बच्चे इस सभी सवालों को लगा सकते हैं चुटकियों में, क्योंकि उन्होंने मेरे उस वीडियो को देखा जिसमें हमने बेसिक बताया। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है एक्स प्लस वाई इक्वल 4 लिखा है। तो पहला कार्य क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं 1 और हल। ठीक है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल 4, पहला वर्किंग आपका क्या है बेटा कि एक्स और वाई के गुणांक को देखते हैं। एक्स का भी गुणांक 1 है, वाई का भी गुणांक है 1 है, दोनों में गुणांक सिमिलर हैं 1-1। तो हम चाहे एक्स का मान वाई के पदों में निकालें और चाहे वाई का मान एक्स के पदों में निकालें, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बात रहा अगर ग्राफ कॉपी की, तो यही आपके पास ग्राफ की एक कॉपी है। ठीक है ना, जो ऐसे लाइनिंग की जाती है, ग्राफ के कॉपी अगर आपके पास रहेगा तो मैं कह सकता हूँ कि आप सभी सवालों को बहुत आसानी से समझ समझ करके लगाएंगे। तो आइए चलते हैं। पहला काम हमने बताया x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, हम x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, इसको लिख सकते हैं क्या, x इक्वल प्लस y है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y। इस प्रकार से हमने क्या किया, ठीक है ना, x का मान निकाला 4 माइनस y हुआ, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अगला कार्य क्या करना है, आप यहाँ से एक बॉक्स बना लीजिए और उस बॉक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने के पश्चात क्या करिए, ठीक है ना, एक जगह आप x देख दीजिए और एक जगह y कर दीजिए। रेखा खींचने के लिए हमें दो बिंदुओं का ज्ञान होना आवश्यक है और हमने कहा था कि गलती ना होने पाए, इसलिए आप 3 बिंदु ज्ञात कर लीजिए ताकि हमारा लाइन कहीं भी तिरछा उरछा ना जाए। हालांकि जब पटरी रहेगा आपके पास तो दोनों छोरों को मिला दीजिए, एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, आपका सही जाएगा। तो चलिए हम 3 मान निकाल लेते हैं, हमारी इच्छा वही है, 1, 2 और ये 3 मान के लिए हमने 3 बॉक्स तैयार कर लिए। अब इन 3 बॉक्सों को भरना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, वाई का मान आप रखेंगे तो किसका मान मिलेगा, एक्स का मान मिलेगा। y का मान रख देने से x का मान मिलेगा, मतलब y इनपुट होगा तब x क्या हो जाएगा आपके पास आउटपुट हो जाएगा। तो आइए y के विभिन्न मानों को हम लोग रखते जाते हैं। तो y का मान y इक्वल 0, ठीक है ना, y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया जब हमने y का मान 0 किया तब x का मान मुझे मिलेगा 4 माइनस y का मान कितना भी है 0, और दिस एम्प्लाइज x बराबर हमें मिला कितना, x बराबर 4 मिला। x का मान 4 तब मिला जब y का मान कितना था, 0 था, तो y का मान 0 हो गया। ठीक है ना, तो x का मान मुझे कितना मिला, 4 मिला। मैं नहीं कहता हूँ कि जो मान मैं रखूँ वही मान आप रखिए, आप स्वतंत्र हैं, y के कुछ भी मान रखिए,
इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि वाई के अनंत मान होंगे, जब वाई के अनंत मान होंगे तो यक्स के भी कितने मान होंगे, अनंत मान होंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करना है, पुनः वाई बराबर एक समीकरण एक में रखने पर, तो अब की बार हमने वाई का मान एक रखना चाहा, ठीक है ना, समीकरण एक में, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स इक्वल फोर, वाई का मान कितना है वन, इसको हल करेंगे तो चार में से एक गया तीन, तो भैया एक्स का मान हमें तीन मिला है, एक्स का मान तीन कब मिला, जब हमने वाई का मान कितना रखा, एक रखा। मैंने अभी आपसे कहा है कि जो मान हम रखें उससे आप कुछ भिन्न रखिए, तब मज़ा आएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि कुछ दुनिया में करना है हट करके, सबसे हट करके। जैसे कहने का मतलब क्या है कि सभी के साथ चलेंगे तो वही होंगे जो होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ हट करके कार्य करेंगे तो आप एक चमकता हुआ सितारा बनेंगे, ठीक है ना, जहाँ भी रहेंगे चमकेंगे, और चमकेंगे तब है जब हमसे हट करके कार्य करेंगे। हम कुछ और बताएं, आप कुछ और करिए। अब कुछ और करने का मतलब ये नहीं है कि आप YouTube पे जा करके कोई गाना सुनिए या पबजी खेलिए, ठीक है ना, आपको पढ़ाई ही करना है। कुछ और करने का तात्पर्य यहाँ से इस बात से है कि अगर हम y का मान एक माने तो आप y का मान माइनस एक मानिए, मैं अगर x का मान y के पदों में निकालूं तो आप y का मान x के पदों में निकालिए, ठीक है ना। ये सब आप हमसे हट करके करिए। अब इसके बाद क्या है कि अब क्या करते हैं, पुनः, ठीक है ना, समीकरण एक में y इक्वल, चलो भैया दो रखने पर हमने क्या किया, समीकरण एक में y के जगह पर दो रखने वाले हैं, तो x बराबर मिलेगा 4 माइनस वाई मतलब 2, और दिस एम्प्लाइज x बराबर 2, तो भैया हमें x का मान मिला है 2, x का मान 2 कब मिला है, जब y का मान हमने कितना रखा भैया, 2 रखा है। इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इस प्रकार से x और y का अगर मान देखा जाए तो पहला युग्म होगा 4,0, दूसरा युग्म होगा 3,1, और तीसरा वाला है 2,2। तो इस प्रकार से x y के हमें युग्म मिलता गया, पहले का मान 4,0, दूसरे का 3,1, दूसरे का तीसरे का 2,2, तो तीन बिंदुओं के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया। इतना तो समझ में सबको आ गया होगा, हमने कुछ किया नहीं, जैसा कि हमने बताया x का भी गुणांक एक है, y का भी गुणांक एक है, कोई सोचने की बातें नहीं है। आप x का मान y के पदों में निकालिए या y का मान x के पदों में निकालिए, हमने x का मान y के पदों में निकाला, y का मान हम रखते गए जिसके फलस्वरूप x के मान हमें मिलते गए। जब y 0 था तो x 4 हुआ, जब y 1 है तो x 3 हुआ, जब y 2 था तो x कितना हुआ भैया, 2 हुआ। इतना बात तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अब इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलिए क्या करना है थोड़ा सा यहीं बना देते हैं। अब बात आया आलेख खींचना, आलेख अब जा रहे हैं खींचने। आलेख खींचने के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस ड्रा कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा उसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसका नामकरण होता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, वाई एक्सिस। ऊपर वाला वाई और नीचे वाला डैश, इधर वाला एक्स, इधर वाला एक्स डैश। इतना बात समझ में आपको आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर एक्स और वाई यहीं काट रहे हैं तो इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0, कितना होता है, 0 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, काहे होते हैं, इसके लिए मैंने एक विशेष स्पेशल वीडियो बनाया था निर्देशांक ज्यामिति का, वो भी वीडियो आप देख लीजिए, बेहतर रूप से बताया गया, समझ में आपको आ जाएगा। देखिए भैया पढ़ाई जो हमारी है ना वो एक चैन है, चैन समझते हैं ना, साइकिल में चैन अगर नहीं लगेगा तो साइकिल चलेगा भी नहीं, और अगर साइकिल में चैन लग भी गया और साइकिल का चैन कहीं लेग बाई चांस टूट गया तो साइकिल चलने वाली नहीं है। ठीक उसी प्रकार से क्लास की पढ़ाई भी होती है, अगर कोई क्लास आप मिस कर देंगे तो हो सकता आगे वाला चैप्टर बढ़िया समझ में आपको ना आए। तो आप लोगों को बार बार ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि किसी भी वीडियो को
कहीं भी पढ़ाई करिए, कोई क्लास मिस मत करिए, तब आप लाइफ में सक्सेस होंगे, एक स्ट्रांग नॉलेज आप पाएंगे। तो आइए चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड एक्स भी नेगेटिव होता है वाई भी पॉजिटिव होता है, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। सभी बिंदुओं का निर्धारण मूल बिंदु से करते हैं। अब अगर हम बात करें 4,0 का मतलब ये हो गया कि यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी 4 है और वाई अक्ष पर कोई दूरी ही नहीं गए हैं, तो आप पार्टिकुलर केवल कहाँ गए हैं, यक्ष एक्सिस पर गए हैं, क्योंकि यक्ष अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, वाई अक्ष पर यक्ष का मान 0 होता है। लेकिन अगर यक्ष वाई को छोड़ करके आप कहीं भी रहेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू यक्ष का भी होगा और कुछ ना कुछ वैल्यू वाई का भी होगा। इतना बात समझ में आ रहा है ना। तो x का मान 4 है, y का मान 0 है, अर्थात हम केवल और केवल इस बिंदु का निर्धारण कहाँ पर है भैया, x एक्सिस पर है, जिसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है 4 इकाई। धन दिशा में जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से होगा 1, 2, 3, 4, इस बिंदु का नाम दे देते हैं, ठीक है ना, 4,0। चलिए अगला हमारे पास है 3,1। 3,1 का मतलब ये है x एक्सिस पर चली गई दूरी 3 है और y पर चली गई दूरी 1 है। तो 1, 2, 3 तो यहाँ जा चुके हैं और 1 यहाँ हो गया, मान लेते हैं 1 ये वाला हो गया। तो इसका अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पॉइंट आपका यहाँ होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये हमारा पॉइंट होगा। बात समझ में आ रहा ना, x एक्सिस पर चली गई दूरी 3 है और y पर चली गई दूरी कितना आपके पास है भैया, 1 है। ग्राफ में बनाएंगे सुंदर बनेगा, ठीक है ना, यहाँ तो हम तुक्का कर रहे हैं। इसके बाद तीसरे बिंदु का निर्देशांक 2,2 है, 1 और 1 कितना हो गया 2 और 1 और 1 कितना हो गया 2। तो अगर इसका हम लोग देखें तो कहीं हमारा यहाँ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इन तीनों को मिला दीजिए, आगे पीछे कहीं मिलाइए कोई दिक्कत नहीं, एक सीधी रेखा खींच दीजिए, आपके पास स्केल भी होगा, अभी तो हम तुक्का खींच रहे हैं। चलिए यही हमारा क्या, इस रेखा का अगर कोई पूछे समीकरण कितना है तो इस रेखा का समीकरण होगा x प्लस वाई इक्वल 4 होगा। इतना बात समझ में आया ना। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्या देखेंगे आप लोग, प्रैक्टिकली देखने का तात्पर्य इस बात से है कि इस रेखा के कितने बिंदु होंगे, यह रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर के बना होगा, ठीक है ना। इस रेखा के जब अनंत बिंदु होंगे तो इसके, अब देखिए इस रेखा का समीकरण कितना है, x प्लस वाई इक्वल 4, इस रेखा का समीकरण है x प्लस वाई इक्वल 4, और इस रेखा के अनंत बिंदु हैं जिसके फल स्वरूप इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का तात्पर्य इस बात से है कि इस रेखा पर पड़ने वाले प्रत्येक बिंदुओं के x और y के मान रख देने से RHS बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। हमने आपको पहले भी बताया कि इसका अगर कोई पूछे कितना हल होगा तो आप लोग कह सकते हैं भैया कि इसका सर जी आप परिमित रूप से अनेक हल होंगे, आप परिमित रूप से अनेक हल होंगे। बात समझ में आ रहा ना। देखिए अभी तो मैंने 3 निकाला, आप वाई के मान कुछ भी रख देंगे, समथिंग कुछ भी रख देंगे, तो एक्स का मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप रेखा खींचेंगे, रेखा खींचने के बाद सपोज करिए इस बिंदु का निर्धारण अगर किया जाए इस बिंदु का, तो कुछ ना कुछ आप x पर भी गए हैं और कुछ ना कुछ y पर गए हैं ना। तो आप x के उस मान को रख दीजिए और y के उस मान को इस समीकरण में रख दीजिए, डेट सवर है कि LHS बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, RHS हो जाएगा। सौ की सीधी बात ये है कि एक रेखा खींचने के लिए दो बिंदुओं का ज्ञान होना जरूरी है। रेखा खींच दीजिए, रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं, अनंत बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर के बने होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसके पहले प्रश्नावली में बताया कि किसी भी समीकरण के अनंत हल होंगे, वो अनंत हल जो होंगे उस रेखा के अनंत बिंदु के होंगे। बात समझ में आ रहा ना, ग्राफ खींचेगा मजा आ जाएगा, मैं वादा कर रहा हूँ। उसके बाद भी अगर ना समझ में आए तो हमारे व्हाट्सएप पर करिए, मैं फिगर ड्रा करके सब पर भेजूंगा। बस आप लोग क्या करिए, आप ग्राफ कॉपी लीजिए, बढ़िया सा बनाइए। ना आने का ये मतलब है कि आप जितने भी पॉइंट देखेंगे सब उस समीकरण का क्या होगा भैया, एक हल ही होगा। अब चलते हैं
इस चीज़ को मिटा करके अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर टू में अधिक समय नहीं देंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो गारंटी है क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप लोग लगा ही ले जाएंगे। तो आइए सबसे पहला चीज क्वेश्चन नंबर टू आप लोग ध्यान दीजिएगा, यक्स का भी गुणांक कितना है? एक है। वाई का भी गुणांक कितना है भैया? माइनस एक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज यक्स इक्वल एक्स इक्वल हो जाएगा टू, ये निगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव, और इसे समीकरण नंबर आप लोग एक मान लीजिए। इतना बात समझ में आया ना, सब पुरानी बातें कर रहे हैं हम, कोई नई बात नहीं करने जा रहे हैं। अब वही पुरानी बात होगी कि आप x और y दो कॉलम बना लीजिए। तो यहां से मैंने क्या किया, सुंदर सा, ठीक है ना, ये काम कर लिया। इसके बाद में हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक होगा x के लिए दूसरा होगा y के लिए। एक खाना, दो खाना और तीन खाने बहुत हैं हमारे पास, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, दो ही खाना बहुत है। लेकिन चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, y का मान रखते जाइए, x का मान पाते जाइए। y के अनंत हल होंगे जिसके फलस्वरूप x के भी अनंत हल होंगे। भाई x का है किस पर डिपेंड है, x y पर डिपेंड है। y जैसा होगा x उसी प्रकार से होगा, बात समझ में आ रहा ना। y का मान आप रखते जाइए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, माइनस छः, माइनस पाँच, माइनस चार, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जो मन में आए वो रख दीजिए। तो भैया संख्या का कोई वो नहीं होता, संख्याएं अनंत होती हैं। अगर y के मान अनंत होंगे तो x के भी मान अनंत होंगे, लेकिन यहाँ हमें अनंत हल नहीं निकालना है, बस एक रेखा खींचना है। रेखा खींचने के लिए दो बिंदुओं का ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन हम तीन बिंदुओं की सहायता से खींच रहे ताकि गलती होने की कहीं भी तनिक सभी परसेंटेज ना रहे, संभावना ना रहे। तो आइए क्या करते हैं, y इक्वल, अब कहते हैं निगेटिव वैल्यू, y इक्वल माइनस टू समीकरण एक में रखने पर, तो रख दिए तो हो जाएगा आपके पास x इक्वल टू प्लस वाई माइनस टू। तो इस प्रकार से x का मान कितना मुझे मिला, जीरो मिला। x का मान जीरो मिला, कब जीरो मिला, जब y का मान माइनस टू किया। x इक्वल, अब की बार y इक्वल रख देते हैं तीन, अपने मन से रख दिया, y बराबर तीन समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर तो हो जाएगा x बराबर टू प्लस वाई, वाई का मतलब थ्री, तो x बराबर तीन दो कितना मुझे मिला, पाँच। x का मान पाँच मिला, कब मिला पाँच भैया, जब y का मान हमारे पास कितना हुआ, तीन। y बराबर अब की रख देते हैं दो, ठीक है ना, तो y बराबर दो रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, चार। y का x का मान मुझे मिला चार, कब मिला चार, जब y का मान रखा दो। अब आइए पहला मान हमें मिला, ठीक है ना, पहला मान हमें क्या मिला, जीरो कामा माइनस टू, पहले x फिर y, x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज और y अक्ष पर चली गई दूरी को कोट, पाँच कामा तीन, और ये चार कामा कितना हो गया, दो हो गया। पुरानी बात है, पुरानी बात का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन ड्रा कर लीजिए, और जहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटरसेक्ट करेंगे डेट इज कॉल टू ओरिजिन पॉइंट एंड रिप्रेजेंट टू ओ, और इसे जीरो कामा जीरो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। समस्त बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण कहाँ से करते हैं, मूल बिंदु से। अगर हम बात करें इस बिंदु ए के निर्देशांक के बारे में तो एक्स जीरो है वाई माइनस दो है, इसका ये मतलब है कि आप वाई अक्ष के ऋण दिशा में जाएंगे, एक हो गया दो हो गया। इस बिंदु ए का हमने निर्देशांक निकाल लिया जीरो कामा माइनस टू निकाला, इतना बात समझ में आपको आ गया। दूसरा है पाँच कामा तीन, पाँच कामा तीन का तात्पर्य इस बात से है कि पाँच भी x भी धनात्मक y भी धनात्मक तो फर्स्ट में होगा, x अक्ष पे चली गई दूरी पाँच है, तो एक दो तीन चार और एक पाँच, y अक्ष पे चली गई दूरी तीन, एक दो तीन,
अगर इसका हम कोऑर्डिनेट ले ले भैया, तो ठीक है ना, 5, 3 का मतलब कहीं यहाँ जाएगा, ठीक है ना, ये मैंने खींच दिया। इसके बाद 4, 2, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, मतलब थर्ड फर्स्ट में ही होगा, 1, 2, 3, 4 हो गया, और 2 का मतलब कहीं यहाँ से हो गया। अगर हम लोग एक रेखा खींचे तो कुछ हमारी रेखा ऐसे होगी, बात समझ में आ रहा ना। देखिए सीधा बना है, हमने तुक्का ही खींचा लेकिन सीधा बना है। आप जब पटरी पर काट लेंगे तो कितना गजब बनेगा आप सोच सकते हैं। ग्राफ में लिखने में मज़ा आता था, ठीक है ना, अच्छा लगता था ग्राफ कॉपी में लिखते हुए। अगर पूछे इस रेखा का समीकरण कितना होगा भैया, तो इस रेखा का समीकरण होगा एक्स माइनस वाई इक्वल कितना होगा 2। अब एक बार पुनः अगर बात करें तो यह कितने बिंदुओं से मिलकर बना होगा, अनंत बिंदुओं से। अब ध्यान दीजिएगा इसके जितने भी पॉइंट होंगे, देखिए एक पॉइंट यहाँ भी आ रहा है ना, मतलब 1, 2, 3, 1, 2, 3। अगर यक्स का मान हम लोग कितना रख दें, ठीक है ना, चलिए अच्छा नहीं लग रहा है, ग्राफ कॉपी जब होता तब अच्छा लगता, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसके जितने भी होंगे बिंदु, 3-4 बिंदु अपने मन से ले लीजिएगा, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लीजिएगा, एक्स वाई के मान इस समीकरण में रख दीजिएगा। डेट सवर है कि जो LHS होगा वो RHS के बराबर होगा, अर्थात इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस समीकरण का एक हल होगा, इस रेखा के अनंत बिंदु होंगे जिसके फलस्वरूप इसके अनंत हल भी होंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया है 3। दे दिया गया है वाई का मान एक्स के पदों में। अब की बार वाई का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो आप क्या करिए, एक्स के मान को रखते जाइए, वाई का मान पाते जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं 3। ये हमारे पास 3 वाला आ चुका है, ठीक है ना, वाई इक्वल 3x। अब वाई इक्वल 3x आ गया मेरे पास, तो आप वही पुरानी बात करेंगे, हमने यहाँ टेबल बना लिया, सुंदर सा टेबल हमने बना लिया, ये देखिए टेबल हमारा बन चुका है, थोड़ा सा डेकोरेट कर दें, ठीक है ना। एक में x वाले को रख देते हैं और दूसरे वाले में y को, ये देखिए कॉलम बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ से क्या करना है, x इक्वल 0 पुट कर दें, x इक्वल 0 पुट करेंगे तो उस सिचुएशन में y का मान भी कितना मिल जाएगा, 0 मिलेगा, क्योंकि 3 में x का गुना है, x 0 होगा, मतलब x मतलब 0, ब्रह्मांड से कोई टकराएगा तो विलीन हो जाएगा, मतलब 0 के साथ किसी भी नंबर्स का गुना करेंगे तो वो पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा। तो भैया x के 0 होते हुए y का मान तुरंत 0 हो गया, x एंड y बोथ आर 0। इसके बाद में x का मान 1 रख देंगे तो y का मान 3 करने में कितना हो जाएगा, 3। अरे भाई 3 × x लिखा है ना, 3 × कितना लिखा है, x। अरे 3x का मतलब यही तो होगा, 3 में x का गुना या x में 3 का गुना, और 3x का मान कितना है भैया, 1 है, तो तुरंत y का मान कितना मुझे मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो भैया जब x का मान हमने 1 पुट किया, जब x का मान 1 पुट किया तो उस स्थिति में y का मान 3 मिला। अब की बार x बराबर चलो रख देते हैं 3, तो y बराबर ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, जगह कम पड़ेगा, x बराबर 3 कर दे रहे हैं, सॉरी 2 ईयर आने दो, तो y बराबर कितना मुझे मिलेगा, 3 × 6, वही 6 ही ज़्यादा हो जाएगा, x का मान 2 तो y का मान 6। तो पहला हमारे पास जो निर्देशांक है वो मूल बिंदु वाला ही, 0, 0, 1, 3 और 2, 6। अब अगर हम बात करें ग्राफ बनाने की, तो वही पुरानी बात है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, एक वर्टिकल होगा, और जहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारे पास ओरिजिन पॉइंट होगा, और ओरिजिन पॉइंट मतलब 0, 0, 0। अब एक बिंदु का निर्देशांक तो यही है, यही हो गया, दूसरा बिंदु 1, 3 का मतलब x अक्ष पे चली गई दूरी, 1, y/3, बोथ आर पॉजिटिव थर्ड में, फर्स्ट में होगा, 1, 1, 2, 3। अगर हम बात करें तो कहीं यहाँ जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। 2, 6 का मतलब ये हो गया 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम बात करें तो कहीं यहाँ जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। अब इन्हीं तीनों बिंदुओं को आपस में आप बढ़िया से पटरी से मिला दीजिए,
और इसी रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा वाई इक्वल थ्री यक्स। बात समझ में आ रहा ना। चौथा सवाल आप स्वयं लगाएंगे, हम हिंट देंगे केवल। वाई का मान निकाल लीजिए तो थ्री माइनस टू यक्स, यक्स का मान रखते जाइए और वाई का मान हमें मिलता जाएगा। ग्राफ व्राफ खींच लीजिए सुंदर सा, नहीं आएगा तो आप हमसे संपर्क कर ही लेंगे। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास टू आ चुका है। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर ही लीजिए। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। भैया आ गया, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाले दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। 2,14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। चलिए बहुत आसानी से सवाल को लगाएंगे। पसीना ज्यादा कुछ हो रहा है। हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो आइएगा, भैया यहां से क्या होगा, ठीक है ना, लिख सकते हैं आप लोग। लिखना क्या है, 2,14 का ये मतलब है, 2,14 का अर्थ है यह है कि एक्स अक्ष पे चली गई दूरी कितना है भैया, 2 है, और y का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इतना बात कंफर्म है। पहला समीकरण, अखिया मुंह निकै जोन मन कहे तोन कह दो। जैसे मान लो हम लिख दिए, ठीक है ना, x माइनस वाई लिख दिए, तो x के मान 2 है, y के मान 14 है, 2 में की 14 का कितना बची, माइनस 12 बची, 2 - 14 - 12, तो ये हो गया -12। आप x प्लस वाई ले लीजिए, जब x प्लस वाई लेंगे तो 2x का मान 2, y का मान 14 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप x का मान 3x ले लीजिए, y का मान ऐसे रहने दीजिए, x का मान 3 × 6 और 14 × 6 कितना हो जाएगा, 20। मतलब जोन मन कहा है ठीक है ना, तोन समीकरण ले लियो, ठीक है ना। हमने कहा x माइनस वाई इक्वल, अब मैंने x माइनस वाई इक्वल -12 कैसे लिखा, इस बात पर ध्यान दीजिए। x का मान 2 रखा, y का मान 14 रखा, 2 में से 14 - 12, यहाँ 16 क्यों लिखा, 2 में 14 जोड़ेंगे 16 होगा। ऐसा कुछ रखिए कि जब हम x और y के मान को हल कर लें तो जो बचेगा वही राइट हैंड साइड में हो जाएगा। तो ये पहला समीकरण हो गया, ये द्वितीय समीकरण हो गया, तीसरे समीकरण हो गया। और बताइए 2,14 किसी ना किसी बिंदु का निर्देशांक ही तो होगा यार, और एक बिंदुओं से होकर के कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, एक बिंदु से होकर के आप
जितना मन कहे खींचते जाइए खींचते जाइए, जितना जगह बचे एक बिंदु से हो करके अनंत, एक बिंदु से हो करके अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। बात कन्फर्म हुआ एक बार पुनः, 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण, होकर जाएगी तो उस रेखा को सेटिस्फाई करेगा। हमने सपोज किया एक्स माइनस वाई, आप कुछ भी सपोज कर लीजिए, चलिए आंख मूंद करके मैंने लिख दिया, आप बताइए कितना लिख दें। हमने आपने कहा सर जी लिखिए 4x + 2y, चलिए 4x + 2y लिख दिया, कोई आफत वाली बात नहीं होगी। x का मान होगा 2 तो 4 दुनी हो जाएगा 8, और y का मान होगा 14 दुना 28, 28 दुई 30 और 6 36, तो इसका मान 36 के बराबर रखना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्यों समझ में आपको आया? देखिए भैया, किसी भी बिंदु से होकर कोई रेखा जाएगी तो उसको सेटिस्फाई करेगा। मैंने आपको बताया कि एक रेखा होगा, उस रेखा के अनंत बिंदु होंगे। कितने बिंदु होंगे भैया? अनंत बिंदु होंगे, और उस रेखा पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे उस समीकरण को क्या करेंगे भैया? वो सेटिस्फाई करेंगे। मतलब यक्स वाई का कुछ भी मान रख दीजिए। अब ग्राफ कॉपी होगा तो मज़ा आएगा आप लोग बनाएंगे जब। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा यदि बिंदु 3,4। अब देखिए अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3 = ax + 7 के आलेख पर स्थित है कि आलेख पर स्थित है तो a का मान, चलिए अगर हम इसको by figure draw करना चाहें तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, एक रेखा कोई खींच दीजिए 3,4। अब रेखा हमने ऐसे क्यों खींचा? कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी आप ये रेखा ऐसे खींचिए, कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी ये रेखा आप लोग ऐसे ज़रा खींच दीजिए, मतलब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जब 3,4 से होकर जा रहा हो समीकरण तो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फर्स्ट से भी बिलोंग करेगा। ये वाला फर्स्ट में नहीं जा रहा, ये रेखा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि फर्स्ट में उसको कहीं ना कहीं बिलोंग करना चाहिए, तो इसीलिए हम इस रेखा को कुछ ऐसा बनाएंगे। सपोज करिए इस रेखा का समीकरण है ax + 7 = 3, और 3,4 का मतलब है कि x अक्ष पे चली गई दूरी 3, 1, 2, 3, y अक्ष पे चली गई दूरी 4, 1, 2, 3, 4, मतलब यही कहीं इस बिंदु का निर्देशांक होगा 3,4। तो भैया हमने बताया कि किसी भी रेखा पर कोई भी बिंदु स्थित होगा तो समीकरण को क्या करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा। अगर इस चीज को मैं शब्दों में लिखना चाहूं तो लिखेंगे, चूंकि 3,4 समीकरण 3 = ax + 7 के आलेख पर स्थित है, आलेख पर स्थित है, दूसरे भाषा में चूंकि 3,4 रेखा, चूंकि 3,4 समीकरण से होकर के जाती है, अतः या इसलिए रेखा को संतुष्ट करेगा, इसलिए रेखा, इसलिए समीकरण को क्या करेगा भैया? संतुष्ट करेगा, क्योंकि उसी का एक मेंबर है। अब 3ax का मान कितना है? 3 है, y का मान कुछ है ये नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 3, हाँ सही है। अब इसके बाद होगा 3a हो जाएगा, 3 हाई देखिएगा +7 है, उधर जाएगा तो -7 होगा, तो बचेगा कितना आपके पास? -4 बचेगा, और a बराबर -4/3, इतना नोट करिए आप लोग। चलिए सवाल में कुछ त्रुटि भी हमको दिख रहा था, यहाँ लिखा 3y लिखा है, गलती से मैंने इस चीज़ को लिख दिया, तो क्या करना है? 3y ये कर लीजिए, अब यहाँ से हो जाएगा 3
वाई का मान कितना है 4, ए एक्स का मान कितना है 3 + 7, 4 × 3 = 12, 3a + 7 अब हो जाएगा क्या 12 हाई प्लस है माइनस बराबर 3a या 3a इक्वल 12 में से 7 गया कितना बचेगा भैया कितना बचेगा 12 में 7 ही गया 7 × 4 = 7, 5 = 12 कभी कभी दिमाग वह नहीं काम करता है तो 5/2 कितना हो जाएगा आपके पास 3 तो a का मान हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर जो हमारा होगा वो अगले वीडियो में होगा क्योंकि टाइमिंग कुछ लंबे होते हुए जा रहे हैं। सभी को तब तक के लिए अलविदा करते हैं, किसी को कोई दिक्कत होगा तो हमसे आप शेयर कर ही लीजिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद।